तो पार्ट टू है बच्चों इसका, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। तो जब महात्मा जी ने उसको कहा देखो कोई भाग के आ रहा है, तो राजा ने मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी भागा हुआ आ रहा है और दोनों हाथ उसने अपने पेट पे लगा रखे हैं और वहाँ से खून निकल रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जैसे ही वो राजा के पास आया उसको चक्कर आया और वो गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोदिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, तो जब उन्होंने दोनों ने उसके कपड़े निकाले तो देखा उसके पेट पर जो एक बहुत बड़ा घाव हो रहा हुआ है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद इट हैंड कर्चीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, द किंग रीट्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। तो राजा ने उसको जो चोट लगी थी उसको धोया और वहाँ पे अपना रुमाल रख दिया, लेकिन फिर भी जो खून का बहना था वो नहीं रुका। तो फिर राजा ने फिर से उसको पट्टी बांधी ताकि खून का बहना रुक जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो आदमी को थोड़ा होश आया और उसने फिर कुछ पीने के लिए मांगा, तो राजा तभी कहीं से पानी लाए और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो इस समय तक सूरज भी छुप चुका था और ठंड ठंड भी हो चली थी। तो राजा और उन महात्मा जी ने उस जख्मी आदमी को उठाया और अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाके लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप आराम से लेट गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो राजा भी जो कि पैदल चल के आए थे और फिर काम भी किया था, तो वो भी थक गए और ज़मीन पर अपना फर्श पे सो गए पूरी रात के लिए। वेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज। तो जब वो उठे तो उसको याद नहीं आया कि भाई ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है, क्या था इसको बेड वॉज। फॉर गिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस वेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। तो फिर वो आदमी भी उठा तो उसने राजा से बोला कि मुझे माफ़ करना, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो राजा ने जब उस आदमी ने पूछा कि मुझे माफ़ करना राजा को देख के, तो राजा ने बोला कि भाई आपने तो मेरा कोई नुकसान नहीं किया, तो मैं क्यों, आप मेरे से क्यों माफ़ी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। तो उस आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपका एक दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तो आपने मेरे भाई को मार दिया था और हमारी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली थी, सीज्ड मने छीन लेना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मुझे पता था कि आप इन महात्मा जी के पास अकेले आए हो और मैंने मन में सोच लिया था कि जब आप वापस आओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। लेकिन जब आप पूरा दिन वहाँ मैंने वेट किया और आप नहीं आए, तो मैं अपने छुपने की जगह से बाहर आया तो आपके जो अंगरक्षक है बॉडी गार्ड, उसने मुझे रिकॉग्नाइज मैंने पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। तो मैं उससे बच के इधर आया भागते हुए और आपने मेरे घाव पे पट्टी बांधी तो मैं बच गया, नहीं तो मेरी डेथ, मेरी मृत्यु हो सकती थी। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी।
तो उस आदमी ने बोला कि मैं तो आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा दी, और अगर अब मैं जिंदा रहा तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा और सारी बात आपकी मानूंगा, और मेरे बच्चे भी आपके सेवा करेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली। तो राजा को अच्छा लगा कि भाई ये मेरा दुश्मन था और बड़े आराम से इससे मेरी जो है शांति वाली बात हो चुकी है, एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। और ये भी अच्छा लगा कि कल तक दुश्मन था, आज तो मेरा दोस्त बन गया है। ही नॉट ओनली फॉर गेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने उसको माफ़ भी किया और उसने बोला कोई बात नहीं, मैं आपके पास अपने डॉक्टर और अपने कुछ नौकर चाकर भेजूंगा जो आपको ठीक कर देंगे, आपका ध्यान रखेंगे। और फिर ये भी उन्होंने ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। तो उसने ये भी वादा किया कि जो भी आपका हमने सामान जो भी छीना है वो हम आपको वापस कर देंगे। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, बिकॉज बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। अब चलना था, मतलब जख्मी आदमी को छोड़ने के बाद फिर राजा उससे झोंपड़ी से बाहर निकले और देखा भाई कहाँ है ये महात्मा जी, पूछ लेता हूँ, अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो ठीक है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बिन डग द डे बिफोर। तो जो महात्मा जी थे वो जो क्यारी खोदी गई थी उनमें कुछ बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। और राजा ने कहा कि देखिए जी अब मैं जा रहा हूँ और अभी अंतिम बार आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो तो दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। कि आपको तो आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वाट डू यू मीन, कि कैसे मुझे कैसे मेरे सवालों के जवाब मिले, क्या मतलब है आपका। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। आप देख नहीं पा रहे कि अगर आपको मेरी हालत पे दया नहीं आती और आप मेरी हेल्प के लिए ना रुकते हो, इस ये क्यारी की खुदाई ना करते, तो फिर आप तो चले जाते ना। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विज्ड यू हैड स्टेड विद मी। तो फिर वो आदमी तो आपकी इंतजार ही कर रहा था मारने के लिए, वो आपके पे हमला कर देता, फिर आप मन में सोचते अरे मैं वहाँ थोड़ी बहुत देर बाद उस साधु महाराज जी के पास रुक जाता तो अच्छा ही हो जाता मेरे लिए। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू आर डिगिंग द बेड्स। तो अब समझ में आया आपको कि सबसे खास टाइम, जो सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम था, जरूरी समय, वो था जब आप उन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। उस समय मैं आपके जीवन का सबसे खास आदमी था और मेरी हेल्प करना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी काम भी था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर हिम। अच्छा, उसके बाद जब वो आदमी भागता हुआ आया तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब आपने उसकी मदद की, पट्टी बांधी। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस द वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। तो अगर आप उसको पट्टी ना बांधते तो फिर उसकी तो डेथ, मृत्यु हो जाती बिना आपसे माफी मांगे और बिना आपसे जो है मित्रता किए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। उस समय वो आपके लिए सबसे खास आदमी था क्योंकि आपका एक दुश्मन आपका मित्र बन गया ना। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। आपने जो उसके लिए किया ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस माने काम था उस टाइम के, उस समय पे। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो हमारी सबके जीवन में एक ही टाइम होता है इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी, जो कि नाउ माने अब है। अब जैसे
अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट टाइम है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि हम दोनों कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपने टाइम का उपयोग अच्छे तरीके से कर रहे हो पढ़ के, और मैं अपने टाइम का उपयोग कर रहा हूँ आपको ये पढ़ा के। तो वर्तमान जिसको बोलते हैं ना, अभी इस समय, वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय अभी हमारे पास इसलिए होता है कि इसी टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, हम सोच ही तो रहे हैं कल मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, फिर उठ के पढ़ाई करूंगा। आपने सोचा है अभी, लेकिन कल जब सुबह 5 बजे होगी, आप उठोगे, पढ़ाई करोगे, तो वो टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उस टाइम अभी नहीं बोल सकते, अभी तो अभी का टाइम भी इम्पोर्टेंट है जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कौन होगा? जो आपके साथ है उस टाइम पे। आपके अभी आप घर पे हो, आपके माता पिता हैं, बड़े हैं, आपके दादी दादा, भाई बहन, ताऊ चाचा, जो भी फैमिली मेम्बर्स, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अभी तो आप उनके साथ रह रहे हो। बाहर जंगल में जाते हो तो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या जो आसपास के खेतों में काम करते हुए हो सकते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। स्कूल में आते हो तो आपके फ्रेंड हैं, आपके टीचर हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्योंकि आगे आने वाले टाइम का तो किसी को मालूम नहीं है ना क्या होगा, और हमको कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो जो जिस समय आपके पास आदमी मौजूद है, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा ज़रूरी हमारे, हम सब के लिए जो काम है, वो होता है कि जिस टाइम जो व्यक्ति आपके पास है, उसकी कुछ हम मदद कर दें, उसकी कुछ अच्छाई कर दें। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि हम इसी उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो बच्चों, ये कहानी थी, मशहूर रूस के एक कहानीकार हुए हैं लियो टॉल्स्टॉय, उनकी लिखी हुई, रीटोल्ड, और ये इन्होंने फिर अनुवाद किया, क्योंकि उन्होंने जो रशियन भाषा में लिखी होगी, तो ये है इसका अनुवाद। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर के लिए हम अगला रिकॉर्डिंग करके आपको भेजेंगे।